20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में देश का किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, इस वक्त मैं हरियाणा के आखिरी छोर मंडी डबवाली के गांव चौटाला में हूं। चौटाला गांव राजनीतिक की नर्सरी के तौर पर जाना जाता है और यही गाँव ताऊ देवीलाल का पैतृक गाँव है, जो कि देश के उप प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद भी इसी गाँव ने हरियाणा और देश की राजनीति को कई दर्जनों कैदावर नेता हैं वो दिए हैं। हम आपको तस्वीरें मुख्य द्वार की दिखा रहे हैं। गांव चौटाला की पहचान यहीं से स्थापित होती है और ये नेशनल हाईवे हम आपको 54 की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि हरियाणा को राजस्थान के साथ जोड़ने का काम करता है और ये ही मुख्य बस स्टैंड है गांव चौटाला का। और अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, वो है इसी नेशनल हाईवे के किनारे गांव चौटाला के किसानों की तरफ से एक अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है, जो कि किसान मजदूर आंदोलन चौटाला के नाम से शुरू किया गया है। आप देखिए, देश की आन बान शान तिरंगे के नीचे इस पूरे धरने की शुरुआत की गई है, जिसमें गांव चौटाला के ही लोगों की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि यहाँ पर भी किसानों का इस राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर धरना तब तक जारी रहेगा जब तक देश की सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती। यानी कि सीधे तौर पर, जब तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठा किसान, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, कोई भी बॉर्डर हो, वहां से वापस नहीं लौटता है जीत दर्ज करके, तब तक गांव चौटाला का धरना भी समाप्त नहीं होगा। आप देखिए, यहाँ पर रोजाना, क्योंकि ये राजस्थान के साथ टच करता चौटाला गांव है, इसके आगे संगरिया कुछ ही मीटर की दूरी पर शुरू हो जाता है, संगरिया विधानसभा हनुमानगढ़ का पड़ता है, और वहां से भी किसान रोजाना पहुंचते हैं। और दूसरी बात है, गांव चौटाला के लोग यहां पर शिरकत करते हैं, आसपास के गांव के किसान यहां पर आते हैं, रोजाना लोग यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर पूरा दिन यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है और मंथन होता है इस धरने को कामयाब करने का। और उससे भी बड़ी बात है, गांव चौटाला की लोगों की तरफ से ये भी फैसला लिया गया कि गांव के हर किसान की तरफ से आर्थिक तौर पर भी दिल्ली बैठे किसानों के लिए मदद के तौर पर राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। और तीसरी, उससे भी बड़ी बात है कि इसी धरने से ये भी रूपरेखा तय होती है कि गांव चौटाला से ही जो किसानों के जत्थे हैं वो ज़रूरत के मुताबिक दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होते हैं। यानी जो किसान वापस आते हैं, उन्हीं की संख्या के किसान यहां से कूच करते हैं दिल्ली की तरफ, ताकि वहां पर किसानों की संख्या में किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना रहे। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम गांव चौटाला के किसान हैं, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती। चूँकि देश भर में किसानों के तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर लगातार धरने चल रहे हैं, जिस कड़ी में हिंदुस्तान के गांव चौटाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल का पैतृक गांव है। यहां के किसानों ने भी एक नई रीत शुरू करी है कि यहां भी अब रोजाना लोग धरने पर बैठेंगे और ये लड़ाई आर पार की है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसान धरना दे रहे हैं, वहीं पर गांव चौटाला के किसान भी अब धरनारत हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए यहां से पूर्व विधायक मंडी डबवाली से डॉक्टर सीताराम जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को चलाया जा रहा है, मुख्य क्या मांगे हैं यहाँ के किसानों की, क्योंकि राजस्थान के साथ टच करता ये इलाका है, हरियाणा यहीं से शुरू होता है पहला। हाँ, हमारे गांव के अंदर एक पहले महापंचायत हुई, जिसमें ग्राम गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति गैर राजनीतिक रूप से सभी लोग इसमें शामिल हुए। सभी ने ये निर्णय लिया कि इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, और एक सबसे बड़ा यहां पर लगाने का जो धरना है, इसमें दूसरे लोग भी देखते हैं, इससे प्रेरित होते हैं, बाहर के लोग भी आते जाते देखते हैं, आसपास इलाके के लोग भी यहाँ आके बैठते हैं, गांव के लोग भी सुबह आ जाते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये
रोजाना चलता है। और इसके साथ हमने ये भी निर्णय लिया गाँव वासियों ने कि आर्थिक रूप से किस तरीके से इस आंदोलन के अंदर अपना योगदान दें। तो प्रति एकड़ 50 रुपए के हिसाब से पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, और जैसे ही ये पैसे की ज़रूरत होगी तो दोबारा हम इस तरीके से फिर लोगों के सहयोग से इकट्ठा कर सकते हैं। इससे भी और लोग कोई ज़्यादा देना चाहे तो वो उनका अपना पर्सनल है, लेकिन ये आंदोलन ये धरना तब तक रहेगा जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेते और किसान संगठन जब तक दिल्ली में बैठ के धरना चला रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे बैठ के ये भी निर्णय लेते हैं कि यहाँ से गांव से हमें कितने लोग वहाँ भेजने हैं, वहाँ पे किसी धरने के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है, खाने पीने के सामान की कमी है लगातार, ताकि वहाँ हम भेज सकें। और क्योंकि एक सांझी जगह होगी, यहाँ पर बैठ के चर्चा होती है, और जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, कई लोग जैसे ये मोबाइल वगैरह नहीं है, वो टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर जो मीडिया है वो ज़्यादातर मोदी जी के पक्ष की ही बात करते हैं, तो उससे कहीं प्रभावित ना हो, यहाँ आम जनता सारी बातों की चर्चा करती है और इस किसान आंदोलन को और मजबूती देने का हम काम कर रहे हैं। सभी ग्रामीण वासियों का अपना कीमती समय भी निकाल रहे हैं, आर्थिक रूप से भी सहयोग दे रहे हैं। हमें तो यही उम्मीद है कि मोदी सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए, जन भावना को समझना चाहिए। मैंने अपने छोटे से राजनीतिक जीवन के अंदर इस प्रकार की सरकार नहीं देखी जो जन भावनाओं का निरादर कर रही है, और इसमें किसी का अहम की बात नहीं है, ना किसानों की है ना सरकार की है, दोनों इस देश के नागरिक हैं और इस देश का नागरिक इस देश के प्रति समर्पित है, और उनको इस तरीके से समाज से अलग थलग करने की जिस प्रकार से बार बार मीडिया के अंदर निंदा करना, ये जो अन्नदाता है उसको तो सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, उनकी भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, और प्रजातंत्र के अंदर जन भावना से बड़ी कोई नहीं होता, तो इसलिए ये कानून वापस लेने चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। हमारे साथ तमाम लोग हैं चौटाला के, पूर्व सरपंच भी हमारे साथ हैं। क्या आपका उद्देश्य है इस प्रोटेस्ट को लेकर जो आपने शुरू किया, क्या तीनों कानून वो वापस लिया आपका मारो धरनो देते हैं चाल सी जब वापस नहीं ले सी देते हैं दिल्ली बोला सी दिल्ली में ही जाऊने तैयार हूँ। तो मतलब आप लोग सुबह रोजाना? हाँ रोजाना सुबह रोजाना आवा सुबह शाम ने जावा। तो कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं जी, आसपास के गांव के लोग? आसपास के गांव राजस्थान से भी लोग आते हैं, और कल परसों हमारा 3 तारीख का यहाँ पर राजस्थान के काफ़ी संख्या में लोग आए। तो आप लोगों ने ये भी एक प्लानिंग तैयार की है कि यहाँ से लोग आपके दिल्ली बॉर्डर पे आते जाते रहे? दिल्ली भी हाँ, दिल्ली शुरू से ही दिल्ली आते जाते हैं और अब भी जाएंगे। कल का हमारा बंद का आह्वान है, उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। सर आप भी क्या कहना चाहते हैं, गांव चौटाला के तमाम लोगों ने ये फैसला लिया है, किस तरीके से समर्थन? ये फैसला बहुत ही सोच समझ के लिया है, और ये किसान मजदूर व्यापारी ने अपने हिसाब किताब से ये लिया है, और ये ज़रूरी भी था। हमारा गांव चौटाला राजनीतिक तौर से भी बहुत आगे है, और हम शुरू से ले गए दिल्ली कटरी बॉर्डर हर एक बॉर्डर पर जा रहे हैं आ रहे हैं, तीन तीन दिन चार चार दिन का जत्था यहाँ से चलता है और वापस आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, और इसमें हमारा तन मन धन से सहयोग रहेगा। ठीक है तब जी, आप भी क्या मांग करते हैं? भाई ये तीनों कृषि कानून जो कहा जीते थे कि वापस नहीं ले सीते तक हमारा धरना जारी रहेगा। आप भी दिल्ली हो आए या अभी तक जाना? ना ना जाए जो कोने भी उड़ो आदमी हो 70-75 साल यहीं बैठ जाते हैं। हाँ यहाँ आग बैठे जाओ। तो जी आप भी रोजाना आते हैं? हाँ जी रोज आते हैं जी, ये तीनों कानून वापस ले जाए इस बारे में। आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी तीनों कानून के बारे में बैठे हैं जी 1 तारीख से, जितना तक ये कानून वापस नहीं है इतना तक बैठे रहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, तमाम लोग यहाँ पर बैठते हैं चौटाला सहित राजस्थान के गांव भी साथ पढ़ते हैं, कितनी की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर 150-200 आदमी गांव के आते हैं, जो दिल्ली नहीं पहुँच पाते बड़े आदमी हैं वो यहाँ पर बैठ जाते हैं, यहाँ से हम बना लेते हैं सिस्टम। 20-5 दिन हो गए को दिल्ली, 20 आदमी यहाँ से और कर देते हैं, वो वापिस आ जाते हैं। इस 20 दिन मैं भी लगा के आया हूँ। ऐसे आपका धरना मतलब तब तक रहेगा, आपने ऐलान किया है कि जब तक देश की सरकार किसान की बात नहीं सुन लेती आपका धरना चलता रहेगा? हाँ तीनों कानून वापस नहीं लेंगे इतने तक हमारा धरना चलता रहेगा,
20 आदमी हमारे दिल्ली जाते रहेंगे, 5 दिन हो 4 दिन हो रहे जाते हैं, उसके बाद में 20 और भेज देते हैं, 4 माल ट्राली जा रही है वहाँ पर। जैसे हमें पूर्व विधायक साहब भी बता रहे थे कि आर्थिक तौर पर भी आप लोग मदद कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति तैयार किया है? एक एकड़ के हिसाब से पैसे लगाए? 50 रुपये किले के उगाए हमने, और ज़रूरत पड़ी तो और कर लेंगे। वहाँ पर कोई कमी है डॉक्टरों की और कुछ चीज़ की, वहाँ पर कमी रहती है, वहाँ पर ही उगाते हैं। ठीक, नमस्कार। हाँ, हमारा उद्देश्य है ये तीनों कानून को जब तक रद्द नहीं करें, जब तक यहाँ धरना रखेंगे। 20,000 एकड़ हमारे गांव की ज़मीन है और हमने सारा पैसा 50 रुपये किले के हिसाब से इकट्ठा किया है। जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम इस धरने को कायम रखेंगे। 7 तारीख से वापस दिल्ली का प्रोग्राम बन गया, कल 12 से 3 बजे तक हमारा रास्ता बंद का आह्वान है।